हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नीता, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कैसे हो आप सब। राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा, शेरा वाली की जय। हैप्पी नवरात्रे। और भाई, हम चल दिए हैं अपने मंजिल की ओर, जहाँ से इतने दिन तक इंतजार किया, चल दिए हैं वहाँ को। रात के बजे है 4 और हम चल दिए, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। ये मेरी वीडियो 1.5-2 महीने के बाद डल रही है हॉस्पिटल की। और ये देखो, बोरानी हमारी सो गई है, बेचारे को इतना दर्द और इतना पेन हो रहा है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेती है। फिर भाई वही दिक्कत जो हमें दिनों से इंतजार, 9 महीने से हर माँ करती है, जब वो टाइम आखिर आ चुका है और बैठी हूँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है इसको देख देख के। एक माँ बच्चे के लिए क्या नहीं करती, और फिर भाई सब कुछ सहन कर लेती है अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर हो रहा है इंतजार, हम लोग बैठ गए हैं आकर के। वहाँ पर जो ये घड़ी है आने वाली, हमारे लिए बहुत अच्छी। यहाँ पर हमारे मकान मालिक जो है वो भी हमारे साथ बैठे, उन्होंने ही हमारा इस टाइम पे साथ दिया है। और हमारे साथ घर का कोई भी सदस्य नहीं था, क्योंकि घर से इतने दूर होने पर कौन साथ आएगा भाई। जब घर से इतने दूर रहेंगे तो भाई साथ देंगे, तो यही हमारे घर के बन गए हैं, इन्होंने हमारा लास्ट तक साथ दिया। तो बने रहिए, यहाँ वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। तो यहाँ पर जो हमने मांगो भगवान ने हमें दे दिया। ये देखो, हमारी बेबी आ चुकी है घर से बाहर नहीं, दुनिया में, अपनी माँ से पेट से बाहर। ये देखो, अपना मुंह नहीं, चेहरा नहीं दिखा रही। भाई रे, लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे जब ही चेहरा दिखाएगी। लेकिन आप लोगों ने इसको पहले ही देख चुके हो, वीडियो लास्ट में डली है। और हमारी बेटी, हमारी पोती आ चुकी है हमारे घर। हमारे घर आ गई है नन्ही परी लक्ष्मी। और भाई बस पूछो मत कि हमें कितनी खुशी है। देखो, चेहरा नहीं दिखा रही है किसी को भी भाई रे। ये देखो कितने अच्छे से कवर किया हुआ है अपने चेहरे को भाई रे। यहाँ पर बेटा खा रहा है भाई, हमें यहाँ पर खाना भी नहीं मिला, हम भूखे प्यासे रहे पूरा दिन। तो गाइज, हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। बेटा खा रहा है भेलपूरी जो घर से लेके आया था, तो भेलपूरी में मसाला वसाला डाल के जो भी होता है वो खा रहा है, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जो हमारे घर में आ चुकी है लक्ष्मी, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। और वीडियो बड़ी देर में डल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना काम हो जाता है। बिल्कुल हम बिजी हो चुके थे, बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी काम में, तो ऊपर से बीमा, ऊपर से काम, भाई हालत ख़राब हो चुकी, तो इसलिए काम करने वाला कोई नहीं घर में। तो हमारी हालत, हमें खाना भी 2-3 दिन तक नसीब नहीं हुआ। तो हमारे मालिक ने, हमारी मकान मालिक ने हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने हमारे को खाना भी दिया, भूखे प्यासे रहे, तो खाना तो नसीब हो ही गया लास्ट में। तो भाई बने रहिए वीडियो में। तो बेटा यहाँ पर इसमें मसाला वसाला अपना जो भी है, सॉस वोस जो भी के साथ चटनी आती है उसको मिला के खाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं ये चीज़ें, हम लोग ही तो नहीं खाते। तो वैसे बड़ी टेस्टी लगती है, मैंने चेक किया है तो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत कभी खाई है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर जो डी मार्ट है वहाँ से लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छी मिलती है, वहाँ पर बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये देखो भाई, हॉस्पिटल का टाइम काटना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब खुशी का हो तो तब कोई भी मुश्किल नहीं होती। जब कोई मुश्किल नहीं होती, दिखा रहा है हमें, चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा है, क्योंकि मैं नहीं खाती, बोरा नहीं खाएगी तो इसको तो भाई चिढ़ाना बनता है, यही खाएगा। ये देखो, हमारी नन्ही परी लेटी हुई है यहाँ पर, और हमारी खुशी का कोई, हमें भूख भी प्यास भी बिल्कुल भी नहीं लगी दोनों, इस बेटी को देखकर, पोती को देखकर, जो हम जिस चीज़ के लिए हम इतने दिन से तलाश में थे 4 साल से, तो वो हमारी कमी हो गई है पूरी। भगवान परमात्मा हमारे को बनाए रखे, जो हमने मांगा वो भगवान ने हमें दिया। तो भाई ये देखो, हमारी गुड़िया रानी हो गई है रोना शुरू। भाई भाई देखो देखो, अब मम्मी की गोद में आ गई है भाई, हमने इसको गोद में ले लिया है, और अब शुरू हो जाएगी, रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। हाँ
आप लोगों को पता ही है बेबी आने की घर में कितनी खुशी होती है, वो भी नन्ही सी परी लक्ष्मी, उसका तो भगवान अलग ही खुशी देता है जो बेबी आती है भाई। सदस्य बेबी हो या गर्ल्स हो या बॉय, उसका कुछ नहीं मान्य नहीं रखती खुशी के आगे। बस सिर्फ इंसान चाहिए घर में, खुशी चाहिए, बच्चा चाहिए, और वो हमें मिल गया क्यूट क्यूट सा बेबी। ये अपनी मम्मी की गोद में चले गए भाई, बड़ी खुशी का माहौल है, बड़ी खुश हो रही है मम्मी की गोद में जाके, बड़ी खुश है एकदम प्रसन्न जी। तो ये देखो भाई, हमारी छुट्टी हो गई है, हॉस्पिटल से चलने की हमारी हो गई है तैयारी। ये देखो हमारी हॉस्पिटल से चलने की हो गई तैयारी। नीचे हम जाएंगे अभी लिफ्ट से, और ये बेटा बना रहा है यहाँ वीडियो। मैंने बोरानी को पकड़े, बोरानी हमारी बहुत मजबूत है, वो खुद ही चल देगी। अगले दिन ही हमारी छुट्टी हो गई थी, तो यहाँ पर अब चलने का समय हो गया, बहुत ही खुशी। यहाँ पर हम देखो लिफ्ट में है, और लिफ्ट से जाएंगे हम नीचे, और नीचे से अपने घर की तरफ। कितनी खुशी होती है भाई, ये खुशी भी अलग ही होती है। और यहाँ पर रात को हमारी आ गई है लड़की, थोड़े दिन के लिए तो भाई यहाँ पर बनाई है हमने खिचड़ी। और यहाँ पर ये अगले दिन का, दो दिन बाद की वीडियो है, जब मैं शॉपिंग करके लाई थी कपड़ों की। लड़की आई है जैसे, तो उसको देना तो बनता ही है, तो उनके लिए मैं कपड़े लाई शॉपिंग करके, तो उनको दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि छोटे हैं बड़े हैं जो भी है भाई देख लो। अभी तो चेंज हो जाएंगे, फिर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि रात को ही टाइम लगता है इन चीज़ों का, दिन में तो हम बिल्कुल नया। हमारी परी भी नन्ही गुड़िया रानी सोई हुई है, तो हमें बहुत अच्छा लगा उसको कपड़े वपड़े खरीद के ला के देने में, क्योंकि भाई भाई जब हमें बच्चा लगता है अच्छा, और बच्चे से प्यारा कुछ नहीं दिखता, तो भाई सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हमारी गुड़िया रानी फिलहाल रोना शुरू कर रही है जब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। और यहाँ पर है भाई ये क्लिप, मैं पहले जोड़ना जो भूल गई थी, जो आ गई हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से आने के बाद ये रही हमारी बहू रानी को उतार रहा है बेटा गाड़ी से। तो भाई बड़ी खुशी होती है जब जच्चा और बच्चा दोनों ठीक सही सलामत अपने घर में आ जाए, इससे बड़ी और खुशी तो कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती गाइस। आप हमारे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करें, मनोकामना पूरी करें आप सबकी, मेरे सब्सक्राइबर की जो चाहे वो मिले सबको। आप लोग भी खुश रहो, और भैया खुशियाँ बांटो, खुश रहो। देखो हमारी बहू रानी जा रही है घर की तरफ को, हमें जो चाहिए वो मिल गया। बहू रानी भी हमारी ठीक, पोती भी हमारी ठीक, इससे बढ़कर और क्या बन। भगवान परमात्मा से दुआ करती हूँ कि सबकी फैमिली में खुशहाली आए, जैसे हमारे घर में आई, सबकी घर घर में खुशहाली आए, सबको परमात्मा बनाए रखे, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले को सब पता है, जो जैसा उसके साथ वैसा। तो भाई भगवान ने हमें खुशी दी है, हमारी लड्डू रानी भी आ गई है घर पर, वही अपने बाबा की गोद में आ चुकी है, और बहुत खुशी हो रही है। दादा को भी अपनी पोती को लेकर गोद में, अलग ही खुशी है। और बस अब कमरे में चली जाएगी बहू रानी को लिटा दें, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत हालत, मैं चार पाई डाल रही हूँ, हमारी बहुत बुरी हालत है। चलो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।